काफी सारे कमेंट भी तो तुम लोग के तो आ ही रहे थे नहीं किसी के साथ में। ये जो कमेंट था मेरे को इसको कवर करना अपने गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा मैटर कर रहा था एंड तुम लोग के साथ भी शेयर करना। लेकिन यार जैसे ही मैं अपने एरिया से बाहर निकला भाई अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एंड काफी सारे अब बताना तो दूर की बात है भाई। तो लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गेम प्ले रचा रहे थे। अब कोई बंदा 4v4 खेल रहा है। अब इतने सारे महान प्लेयर्स को कुछ ऐसे हैं जो कि 1v4 खेल रहे हैं लेकिन हाँ उनके गेम प्ले कुछ इस तरीके से हैं। अब लाइक कुछ यहाँ पे इस तरीके से हालांकि वो अपने गेम के अंदर वन शॉट मारने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो सीधा अपने फायर बटन को ऊपर की तरफ ही ड्रैग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से उनको यही लग रहा है कि मतलब वन शॉट कनेक्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है ना गाइस वो इसी ड्रैग में ही है लेकिन उनको रोटेशन ड्रैग की नाम की कोई चीज ही नहीं पता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो खैर ये सारे लोगों को मैंने चमाट मारते हुए सारे लोगों को मैंने ये समझाया कि तुम लोग को रोटेशन डेक किस तरीके से अपने गेम के अंदर परफॉर्म करना है। सही बात है। तो आओ यार मिलके करते हैं इस रोटेशन डेक की शुरुआत किस तरीके से अपने गेम के अंदर रोटेशन डेक को परफॉर्म किया जाए। काफी सारे बंदे लोगों का ये डिमांड था कि भाई हमारा रोटेशन रैक वर्क नहीं कर रहा है। दूसरा कि जब भी हम लोग वन शॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट रेंज में तो हमारा वन शॉट क्यों नहीं कनेक्ट होता है। ऐसी क्या टेक्निक हम लोग यूज करें जिससे हम लोग का परफेक्टली तरीके से वन शॉट कनेक्ट हो। अब देखो यहाँ पे दो ही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। पहला वन टैप एंड दूसरा कि डायरेक्टली वाला शॉट एंड शॉट। यानी कि कैसा तुम लोग सीधा एनिमी को बॉडी शॉट ही मार दो। तो यहाँ भी मैटर ये करता है कि रोटेशन रेक को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए अपने गेम के अंदर जिसे हम लोग परफेक्टली तरीके से वन शॉट एनिमी को एकदम शॉट से शॉट रेंज में कनेक्ट कर सके। अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी वीडियो क्लिप को भी अगर तुम लोग ने पहले से वॉच कर लिया तो तुम लोग ने देखा ही देखा कैसे जैसे कि मैंने तुम लोग एकदम क्लोज रेंज में मैंने तुम लोग को यहाँ पे मारते हुए दिखाया है। एंड यही सेम चीज अगर तुम लोग अपने गेम के अंदर परफॉर्म करते हो ना कैसे लिटरली में तुम लोग का बहुत ही परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होगा। ये रोटेशन रेक एक ऐसी टेक्निक है ना कैसे जिसको तुम लोग अगर अपने गेम के अंदर परफॉर्म करना सीख जाते हो तो लिटरली में कहीं सर तुम लोग इतने से इतने मतलब तुम लोग एकदम चपक के सामने वाले एनिमी से एकदम इजीली तरीके से वन शॉट कनेक्ट कर सकते हो गाइस। अब लाइक कुछ इस तरीके से ये बोर्ड जो सामने तुम लोग को दिख रहा है अब देखो मैं एकदम पूरा एकदम चपक गया हूं गाइस। अब बंदा भी एकदम चपका हुआ है मेरे से। अब यहां पे भी अगर मैं रोटेशन रैक इसी टाइम पे परफॉर्म करता हूं बहुत ही परफेक्टली तरीके से कनेक्ट होगा। अगर तुम लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि ये तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है गाइस। तुम लोग जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना क्योंकि गिव अवे स्टार्ट होने वाला है एंड ये लास्ट होने वाला है कि तुम लोग को गिव अवे शायद मिस ना करो। जस्ट जाके ऑलवेज फॉलो कर लेना। तो बढ़ते हैं गाइस अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो बात आती है रोटेशन रैक को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग रोटेशन रैक को कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं जिससे तुम लोग को एनिमी को सामने वाले को मारने में ज्यादा से ज्यादा आसानी हो रोटेशन रैक किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग ग्राउंड में होता हूँ तो यहाँ पे जो सामने बोर्ड खड़ा होता है यानी कि अगर मैं कुछ लाइक इतने मिड रेंज में होता हूँ तो ऐसे टाइम पे भी अगर मैं रोटेशन रैक का अगर यूज करता हूँ ना गाइस यार तो बहुत ही परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। अब अगर उससे थोड़ा सा मैं और भी पास जाता हूँ तो यहाँ पे और भी ज्यादा परफेक्टली तरीके से मेरा हेडशॉट अगर रोटेशन रैक को परफॉर्म करता हूँ तो इजीली तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अब थोड़ा और भी पास जाता हूँ तो यहाँ पे जैसे ही रोटेशन रैक परफॉर्म करता हूँ तो यहाँ पे भी बहुत ही परफेक्टली तरीके से कनेक्ट हो रहा है। अब एकदम ही मैं चपक जाता हूँ तो भी यहाँ पे अगर मैं रोटेशन रैक को परफॉर्म करता हूँ तो भी परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है। तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने फायर बटन को सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूँ इजीली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट हो रहा है लेकिन यहाँ पे एक चेंज हो रहा है। जिस तरीके से मैं नजदीक आते चले जा रहा हूँ उसी तरीके से मेरा फायर बटन का जो स्पीड होता है रोटेट करने का वो इंक्रीज होते हुए चले जा रहा है। अब अगर मैं जैसे जैसे मिड रेंज में आऊँ तो इसी टाइम पे मैं थोड़ा सा स्मूथली तरीके से रोटेशन रैक का यूज कर रहा हूँ बट जैसे जैसे मैं एनिमी के सामने वाले के बंदे के शॉर्ट रेंज में आते चले जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं थोड़ा अपने फायर बटन को रोटेट करने की स्पीड को इंक्रीज करते चले जा रहा हूँ तभी मेरा ये चीज परफेक्टली तरीके से परफॉर्म हो पा रहा है। तो यस गाइस यार ये थी कुछ बेसिक चीजें जिसको तुम लोग को सबसे पहला समझना है। अब चलते हैं क्लिप के अकॉर्डिंग कि सामने वाला बंदा अगर कोई भी डायरेक्शन में होता है या फिर किसी भी डायरेक्शन में या फिर कैसे भी मूवमेंट करता रहता है एंड वो किसी भी डायरेक्शन में होता है तो या फिर लेफ्ट या फिर राइट की तरफ ही ऑब्वियसली सी बात है दो ही डायरेक्शन उसको मिलता है या फिर स्ट्रीट पोजिशन में होता है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि सर स्ट्रीट पोजिशन में तुम लोग को रोटेशन रैक ज्यादा परफॉर्म करने की ट्राई नहीं करना है लेकिन जब बंदा मूवमेंट दिखाता रहता है ऐसे टाइम पे तुम लोग को रोटेशन रैक का बहुत ही ज्यादा नीड होता है। ऐसे टाइम पे तुम लोग को दो टेक्निक सबसे ज्यादा मैटर करती है एंड जो पहला मैटर करता है कि गाइस यार अगर सामने वाला बंदा लेफ्ट की तरफ होता है तो ऐसे टाइम पे तुम लोग को कभी भी गाइस यार लेफ्ट की तरफ से रोटेट करते हुए अपने फायर बटन को राइट की तरफ मूव करना है गाइस यार। अब लाइक कुछ मेरी वीडियो क्लिप में अगर तुम लोग देखो तो लाइक कुछ इस तरीके से। अब यही चीज सबसे ज्यादा तुम लोग अपने गेम के अंदर समझना है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे दूसरे क्लिप के अकॉर्डिंग
नहीं चलता तो ये सामने वाला बंदा जो है लिफ्ट की तरफ से ना होते हुए राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसी टाइम पे मेरे को राइट की तरफ से अपने फायर बटन को रोटेट करते हुए गाइस यार लिफ्ट की तरफ की डायरेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाके मेरा परफेक्टली तरीके से हेडशॉट कनेक्ट होगा। एंड यही सेम चीज अगर तुम लोग यहाँ पे मेरे वीडियो क्लिप में भी देखो तो बहुत ही परफेक्टली तरीके से कनेक्ट होता है। ये चीज तुम लोग को अपने गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा समझना पड़ेगा, एंड जिससे तुम लोग अगर इस चीज को समझ जाते हो फिर अपने गेम के अंदर कवर कर लेते हो ना गाइस यार। एंड अगर तुम लोग को लिटरली बता रहा हूं गाइस, तुम लोग अगर इसको आधे एक घंटे तक अपने गेम के अंदर परफॉर्म करोगे या फिर कस्टम जैसे या फिर क्राफ्टलैंड जैसे मैप के अंदर अगर परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ना, यस गाइस यार, तुम लोग ऑलवेज इसका एक्सपीरियंस बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा, क्योंकि जब भी तुम लोग इजीली तरीके से इसको कनेक्ट करोगे ना सामने वाले बंदे के ऊपर तो तुम लोग को समझ में आ जाएगी करना क्या है आखिर में गेम के अंदर। तो आई होप गाइस यार कि आप लोगों को वीडियो पसंद होगी, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।